नमस्कार, मैं सुरक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबरें। खबर है मिर्जापुर से, हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ हुआ खेलो इंडिया कार्यक्रम। मिर्जापुर युवाओं को हौसले बुलंद करने हेतु खेलो इंडिया के तहत आज मिर्जापुर में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मशाल रैली की टीम को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से रवाना किया गया एवं स्वयं रैली में प्रतिभाग करते हुए खेलों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शिव प्रताप शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्रीकांत प्रजापति, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू खां। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मशाल रैली जो है सरगुजा से निकल रही है, आज मिर्जापुर का सौभाग्य था कि ये रैली हमारे पास आई। इसको हरिओम जी लेकर के आ रहे हैं और लगभग 15वां जिला था उनका जिसमें वो आए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि सभी लोगों का खेल के प्रति रुझान बढ़े और एक जागरूकता बढ़े, और मैं सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि अपने बाकी अन्य कामों के साथ साथ जरूर किसी न किसी खेल में प्रतिभाग करें ताकि आपका मन और मस्तिष्क जो है और शरीर स्वस्थ रहे। कई प्रकार के गेम्स थे, टाइकोंडो के बच्चे थे, कबड्डी के बच्चे थे, कई तरह के गेम्स थे। हमारे मिर्जापुर के बच्चे जो खिलाड़ी हैं छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग इस रैली में और इस कार्यक्रम में शामिल हैं।